सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आपने पिछले पार्ट में देखा था कि हम नाड़ा साहिब गुरुद्वारे तक पहुंच चुके हैं। तो अभी जो ये पार्किंग वाली लाइंस हैं, हम इसको क्रॉस करके आगे पार्किंग के लिए एंट्री करेंगे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि आज संडे का दिन था और हमारे हरियाणा के CM श्री मनोहर लाल खट्टर जी आए हुए थे गुरुद्वारे में, तो इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और बहुत ज़्यादा धार्मिक स्थल है। कोई नहीं है, तो गैस अपने सारे बैग्स वगैरह हमने बाइक पे बांध के ही बाइक पार्किंग में खड़ी कर दी है। हेलमेट वगैरह अपने सब बाइक में बांध दिए और यहाँ से इसकी एंट्री है नाड़ा साहिब गुरुद्वारे की। अभी हम यहाँ पे उतार रहे हैं शूज। चलो उठो भूमि भाई की हालत खराब हो रहा है, ब्लॉग चल रहा है। उधर मिलो, उनको मिलो। सो गाइस यहाँ पर हम जूते घर के बाहर खड़े हैं और हमने सबने अपने जूते उतार कर जूते घर में जमा करा दिए हैं और सब अपना सर ढक रहे हैं गुरुद्वारे के कपड़े से। और ये मेन एंट्री है गुरुद्वारे में, एंट्री करने से पहले ये मेन गेट है गुरुद्वारे का, नाड़ा साहिब गुरुद्वारे का। यहाँ से ही हम मेन एंट्री करने वाले हैं। तो कुछ बाहर का नजारा ऐसा है यहाँ का। सो गाइस कुछ ऐसा व्यू है गुरुद्वारा नाड़ा साहिब के बाहर का। आज काफ़ी ज़्यादा रश है संडे की वजह से और ये शॉप है कड़ा वगैरह लेने के लिए, कड़ा बुक्स माला वगैरह, तो मैंने भी कड़ा लिया एक। प्रसाद ले लिया सबके लिए। हाँ जी मैं उतर रहा हूँ कि गाइस हमने प्रसाद ले लिया है सबके लिए, जो प्रसाद हम अंदर चढ़ाएंगे कड़ा प्रसाद। ट्रैवल है, डबल है, ट्रैवल है, लिख लेना भाई तू लिख दे। डबल है बेल आइकन दबा दे। ये भाई शक्ल दिखाते कैमरे में कि हमारे नए सब्सक्राइबर साहब आप भी देखना, 3-4 दिन बाद वीडियो में आप भी आओगे। तो गाइस नाड़ा साहिब जी जो गुरुद्वारा है वो हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में स्थित है और 1688 में जब गुरु गोविंद सिंह जी भंगानी की लड़ाई के बाद अनंतपुर साहिब जी जा रहे थे पाउंटा साहिब जी से, तब वो यहाँ पर रुके थे, तो उसके बाद ये गुरुद्वारा यहाँ स्थापित किया गया। तेरे प्यारे नू हाल मुरीदा दा कहना
सो गाइज करीब 2:30 बज चुके थे इस टाइम और धूप काफ़ी ज़्यादा तेज थी। इसके बाद हमें गर्मी भी लग रही थी काफ़ी ज़्यादा और हम अपने ट्रैक से काफ़ी लेट भी थे। हमें जो जल्दी निकलना था वो उतने हम लेट हो चुके हैं दिल्ली निकलने के लिए। तो हम यहाँ से दिल्ली की तरफ निकल चुके थे गुरुद्वारा नाड़ा साहिब जी से। तो गाइस मेरी बाइक जैसे कि रिजर्व लग चुकी थी तो मैंने अपना फुल टैंक करा लिया है पेट्रोल पंप से, और साथ में जिन लोगों का पेट्रोल कम था तो सब ने अपने टैंक्स फुल करा लिए थे दिल्ली जाने के लिए पेट्रोल पंप से। सो हम निकल चुके हैं यहाँ से दिल्ली जाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और धूप तो बहुत ही ज़्यादा है, तो हम यहाँ से फटाफट निकलेंगे दिल्ली की तरफ। गाइस जैसे कि चंडीगढ़ और पंचकुला में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, ट्रैफिक था, वैसे ही हम जैसे दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे तो सोनीपत या पानीपत हम जैसे पहुंचने वाले थे तो मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुके थे। मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका था चंडीगढ़ के मुकाबले। अगर आपको दिख रहा है, आप लोग जो देख रहे हो, ये हम ऑन द वे हैं पानीपत के रास्ते पे, तो काफ़ी शानदार वेदर हो चुका था, टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा कम होने लगा था यहाँ पे। तो मौसम का एंजॉय करते हैं, वेदर का मज़ा लेते हैं और पहुँचते हैं दिल्ली की तरफ। तो गाइस राइडिंग करते हुए हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे और भूख भी लगने लगी थी, शाम का मौसम था, तो हम लोग यहाँ पे सवॉय ग्रीन्स करके एक जगह थी ऑन द रोडी, तो वहाँ पर हम मैकडोनल्ड से कुछ खाते हैं और सब लोगों को जो जो पसंद था पूरा अच्छा खासा बड़ा फूड कोर्ट था, तो हमें मैकडोनल्ड्स पसंद था तो हमें मैकडोनल्ड से बर्गर वगैरह खा लिए थे, जिसको जो जो पसंद था। तो सब लोग अपने हिसाब से अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ पे खा रहे थे, तो हमने कुछ देर यहाँ पे रेस्ट किया और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए सवॉय ग्रीन से वापस दिल्ली की तरफ। यहाँ लगा हुआ है घरौंदा टोल के पास पूरा जाम। वैन वाले ने पूरा जाम लगवा दिया बिलावत के लिए। भाई सच में जा रहा है? सच में जा रहा है? किस डिनर कर पाएगा? चल भाई भाई। बाय बाय। तो गाइस 8:30 बज चुके हैं और अभी हम रास्ते में रुके हैं थोड़ा चाय वाय पीने और ब्रेक लेने के लिए 10-15 मिनट का करीब। अभी हमें 1.5 घंटा और लगने वाला है
डेढ़ घंटा ऑलमोस्ट लग जाएगा घर पहुँचने में। मेरे को दिल्ली में पहुँचने वाले हैं नेक्स्ट आधे घंटे के अंदर, दिल्ली में एंट्री कर लेंगे और वहाँ से करीब मेरा एक घंटे का रास्ता है घर का। तो अभी हम जहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं बेसिकली हम ब्रेक लिया है हमने जो, और जो खाना वगैरह खा रहे हैं, खाना नहीं बेसिकली चाय वगैरह पी रहे हैं, स्नैक्स ले रहे हैं वीकन से। तो ये जगह है वो, बाकी दिल्ली में एंट्री होती बारिश आ चुकी है ना, आपको दिख रहा होगा हर जगह पानी पानी, हल्का हल्का बूंदाबांदी चल रही है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं अभी, लेकिन फुहार है, बूंदाबांदी है। मोरनी से आते रहे हमें कहीं कोई बारिश नहीं मिली, सब कुछ बढ़िया, सारा मौसम बढ़िया, बट जैसे ही दिल्ली में एंट्री करने वाले हैं या सोनीपत जैसे ही क्रॉस करा, मूर्धा जैसे ही क्रॉस करा, वहीं से बारिश शुरू, फुहार शुरू। अच्छा भाई लोगो, ओके मैम, घर ओके भाई, जल्दी निकल रहा है। ओके मैम, चलो बाय बाय, ओके भाई, ध्यान से, ओके भाई, चलो भाई ध्यान से रहियो, मैसेज ओके भाई, मिलेंगे फिर, मोरनी वाले ग्रुप पे ही मैसेज कर देना। सो गाइस मैं निकल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ घर पहुँच के मैसेज कर देना, पहुँच गए। सो गाइस मुझे लगेंगे ढाई घंटे, तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ सबसे पहले। अच्छे अच्छे लोग भाई नहीं है, चल भाई बाय बाय कोहली। सो गाइस फाइनली पहुंच गया हूँ अपने घर, करीब 10:30 बज चुके हैं और 10:30 बजे मैं पहुंचा हूँ यहाँ पर। और रास्ते में इतनी ज्यादा बारिश, क्या बताऊँ, मतलब बुरा हाल सारा। दिल्ली एंटर करने से पहले मैं इससे पैरिमल एक्सप्रेस पकड़ के आया और पिछले ढाई घंटे से मैं बाइक चला रहा हूँ, वो पूरी की पूरी बाइक मैंने बारिश में चलाई है। और मेरी बीवी कहती है आने के बाद कि भाई घूम के आ गए, उसको दिखाते हैं जरा घूम के आए कि जूतों के अंदर कितना पानी भरा हुआ है। अंदर से इससे ज्यादा पानी जूतों में है लेकिन वो बाहर निकल नहीं रहे, ये सूख कर लिया हमने। तो ये हालत हो जाती है राइडिंग करते हुए बारिश के टाइम में, रेनकोट पहना हुआ है पूरा भीग चुका है रेनकोट की वजह से भी, अंदर तक पानी जा चुका है, राइडर बैग पूरी गीली हो चुकी है अंदर से भी। अभी भी गाइस बारिश आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी तेज बारिश आ रही है, अभी भी घर से बाहर ले जाके दिखाता हूँ। आई एम नॉट श्योर कि कैमरे में कितना दिख रहा है, बट इफ यू सी अभी भी तेज बारिश आ रही है। और जिस रास्ते से मैं आया हूँ वहाँ पे इतना बुरा हाल था बारिश का, बहुत ही ज्यादा बुरा हाल। तो जैसे तैसे नॉन स्टॉप 2.5 घंटे बाइक चलाई, 2.25 घंटे और मैं आ गया हूँ। तो आज के लिए इतना ही, ये व्लॉगिंग मैं यहीं खत्म करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।